आयशा सिंह के गुम है किसी के प्यार में देखने को मिलेगा कि सत्या की बीमारी की बात सुनकर सई हॉस्पिटल जाती है। वह सत्या से मिलने भी जाती है, लेकिन सत्या जैसे ही प्रपोज करने वाला होता है उसे लकवे का अटैक आ जाता है। सत्या बेहोश होकर गिर जाता है। सई उसे संभालने की कोशिश करती है और उसे एडमिट कराती है। डॉक्टर साई को बताते हैं कि सत्या लकवे का शिकार हो गया है। दिमाग की नस दबने के कारण उसके कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर सकता। सत्या को जैसे ही होश आता है सई उसे बताती है कि वह लकवे का शिकार हो चुका है। ऐसे में सत्या घबरा जाता है। वह अपने पैरों पर उठने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। सत्या रोने बिलखने लगती है। ऐसे में सई उसे गले लगकर शांत कराने की कोशिश करती है। सई और सत्या को ऐसे साथ में देखकर विराट का दिल दुखने लगता है। वह अपना मुंह मोड़कर वहां से चला जाता है। गुम है किसी के प्यार में एंटरटेनमेंट का तड़का यही खत्म नहीं होता है। शो में देखने को मिलेगा कि विराट विनायक को लेकर सई के घर पहुंचेगा। वह सत्या की मदद भी करेगा लेकिन उसकी ये हरकत सत्या को पसंद नहीं आएगी। वहीं जब विराट विनायक को लेकर वहां से जाने लगेगा तो सई को बुरा लगेगा। वह विराट से दिल की बात न कह पाने का गम मनाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि सई सत्या को छोड़कर विराट को प्रपोज करेगी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सत्या की खातिर सई अपने प्यार का गला घोट देगी। अब वास्तव में क्या होगा ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए ABV एंटरटेनमेंट।